हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ पूनम्स मिनी वर्ल्ड में। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स बर्फी बहुत ही आसान तरीके से। ना चाशनी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मावा का, और झटपट ये बनके तैयार हो जाती है बस 5 मिनट में। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गर्म कर लेते हैं। तो कढ़ाई रख दी है गैस पर और गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। 1 चम्मच घी डाल देते हैं। घी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 1 चम्मच घी से ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। घी जब हमारा गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो उसमें हम डाल देते हैं बादाम। तो 1 कप के बराबर बादाम और 1 कप के बराबर ही हम डाल देंगे इसमें काजू। लो फ्लेम पर हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भुनेंगे, कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे लो फ्लेम पर। और काजू बादाम दोनों हमारे भुन के तैयार हो गए हैं। तो अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एकदम क्रंची ये हो गए हैं, और ठंडा करने के बाद हम इनको रफली ग्राइंड कर लेंगे। अब कढ़ाई में हम डाल देते हैं मिल्क पाउडर। तो 1 पाउच जो आता है नेस्ले का, 10 रुपये वाला, बस उतना ही मैंने लिया है मिल्क पाउडर। थोड़ा सा दूध डालेंगे और एक घोल बना लेंगे। 1/2 चम्मच डाल देते हैं इलायची पाउडर और मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखा है। अब इसमें डालेंगे हम मीठा। तो मीठे में हमने बूरा लिया है, 1/2 कप के बराबर मैंने बूरा लिया है। और बूरे को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बूरा मिक्स हो गया है, अब हम किशमिश डालेंगे। तो 1/2 कप के बराबर किशमिश लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए थे किशमिश को। बस 1 मिनट चलाएंगे, किशमिश फूल गए हैं अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, काजू बादाम का जो हमने पाउडर बनाया था। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखा है और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। काजू बादाम में अपना ही काफ़ी ऑयल होता है, तो घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हो गया है, बस गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये मैंने प्लेट ले ली है और उसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है। इसमें डाल देते हैं जो भी मिक्सचर हमने बनाया था और अच्छे से हम सेट कर लेंगे। तो ये सेट हो गया है अच्छे से। 1.5 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। और 1.5 घंटा हो गया है, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो बहुत आसानी से ये कट हो रही है। बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनी है, अलग अलग पीसेस में हो गई है। खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है और बनाने में बहुत ही आसान, बहुत जल्दी बन जाती है। बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।